पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक उपाय, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप किस तरह ये आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं जिससे आपकी त्वचा संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर महिला को खूबसूरत दिखने की चाह होती है। सदियों से महिलाएं निखरी त्वचा पाने के लिए घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक तरीकों से अपने रूटीन में शामिल कर रही हैं। चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए ना सिर्फ ऊपर से उसे साफ रखना जरूरी है, बल्कि शरीर के अंदर से भी स्किन को हेल्दी रखना महत्वपूर्ण है। नेचुरल ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आयुर्वेद में कई उपाय बताए गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल त्वचा के लिए आयुर्वेदिक उपाय। तो पहला उपाय है गोल्ड घी और शहद का सेवन। अपने दिन की शुरुआत गोल्ड घी और शहद के मिश्रण की 2-3 बूंदों का सेवन करके करें। सोना त्वचा की रेडनेस को कम कर सकता है, पिंपल्स को सूजन को कम कर सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचा जा सकता है और त्वचा को प्राकृतिक चमक देने में मदद करता है। जबकि घी त्वचा की लोच और एंटीऑक्सीडेंट बनाए रखने में मदद करता है। शहद आपकी त्वचा को नमी देने में मदद करता है और समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है। इस मिश्रण का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। दूसरा है अनार और घी का सेवन। दाढ़ी माढ़ी घृत अनार, गाय के घी और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना सबसे अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में से एक है। ये आपके एचबी को बेहतर बनाने में मदद करता है, आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है, आपको शांत और स्थिर रहने में मदद करता है और यहाँ तक कि आपके पाचन में भी सुधार करता है। आधा एक चम्मच सुबह या सोते समय गर्म दूध या पानी के साथ आप ले सकते हैं। तीसरा, आम्रपाली का सेवन करें। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए आयुर्वेदिक आम्रपाली चाय का सेवन करें। ये चाय रंग निखारने वाली जड़ी बूटियों से बनी है जो खून को शुद्ध करती है और आपकी त्वचा को एक समान रंगत और चमक देने में मदद करती है। 3 ग्राम आम्रपाली को 300 मिलीमीटर पानी में 7 मिनट तक उबालें और फिर इसे छान लें और खाली पेट इसका सेवन करें। अगला है आयुर्वेदिक फेस मास्क का इस्तेमाल करें। हिबिस्कस, लोद्र, मंजिष्ठा, चंदन, गुलाब, हल्दी, लाल मसूर, केसर जैसी जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक फेस मास्क का इस्तेमाल करें। ये जड़ी बूटियाँ आपको स्किन में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करती हैं और त्वचा में चमक बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला है केसर सीरम का इस्तेमाल। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर केसर सीरम से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। निखरी त्वचा पाने के लिए आप इन आयुर्वेदिक उपायों को अपने जीवन शैली में शामिल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके साथ संतुलित आहार और एक्सरसाइज, योगा जैसी गतिविधियां भी आपके रूटीन में शामिल करें। आप सुबह शाम अनुलोम विलोम आप कर सकती हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।